नमस्कार, डिजिटल जमाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबी सफर बैलेंस को अपने अकाउंट में एक क्लिक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पर इस वीडियो में मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा आप लोगों के सामने कि कैसे हम अपने बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबी सफ़र पोर्टल में लॉगिन हो जाना है और उसके बाद यहाँ पार्टनर एंड वॉलेट में आना है और तत्काल मूव टू बैंक के ऑप्शन पर आना है। अगर आपने अभी तक इस ऑप्शन को यूज़ नहीं किया या फिर अपना अकाउंट नंबर अभी तक मोबी सफ़र के पोर्टल में ऐड नहीं किया तो आप चैनल पार्टनर एंड में जाकर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे अकाउंट ऐड करना है तो उससे संबंधित वीडियो हमारे वीडियो सेक्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम तत्काल मूव टू बैंक के ऑप्शन पर जाते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है इसलिए आप टाइम लग रहा है, तो हम वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अमाउंट दिखेगा जितना भी आपने लास्ट 3 डेज में ट्रांजैक्शन की है AEPS से। एक चीज़ मैं यहाँ कंफर्म करना चाहूँगा, आप वही बैलेंस अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि आपने AEPS से विड्रॉल किया होगा, बाकी आप कोई भी बैलेंस नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। तो देखिए यहाँ ट्रांजैक्शन मोड है IMPS और NEFT। IMPS जो है वो इमिडिएट है और जो NEFT है उसमें कुछ वर्किंग आवर्स लगते हैं। अगर आप 25,000 से नीचे की कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 5 रुपये देना पड़ेगा, अगर 1 लाख तक की करते हैं तो 10 रुपये और अप टू 2 लाख करते हैं तो 15 रुपये आपको देना पड़ेगा पर ट्रांजैक्शन। उसके बाद यहाँ पर NEFT 0 और FT 5 रुपये, FT का ऑप्शन फ़िलहाल नहीं है तो हम NEFT नहीं करेंगे क्योंकि NEFT में टाइम लगता है और वैसे भी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, क्या पता बैंक की छुट्टियों पर, आज भी बैंक की छुट्टी है। तो चलिए हम IMPS करेंगे। यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे, हम 25,000 रुपये करीब निकालेंगे, तो हम ये देखिए हमें 5 रुपये चार्ज पड़ा 25,000 का। अब हम यहाँ पर कुछ भी रिमार्क्स दे देना है, हम रिमार्क्स दे देते हैं कैश मूव टू बैंक। यहाँ पर हम डिजिटल जमाना नहीं लिख सकते हैं क्योंकि पोर्टल पे रिजेक्ट भी हो सकती है पेमेंट। उसके बाद हमें यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी बफरिंग होगी और आपका पैसा ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब वो ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसीड, फाइनल स्टेटस विल बी ऑटो अपडेट। तो हम ओके कर देंगे इसको। अभी देखिए यहाँ रिफ्रेश कर देते हैं, ये हमारा बैलेंस कम हो गया, 9,477 रुपये रह गया, पहले 34,000 कुछ रुपए था। तो ये सारा बैलेंस अपडेट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।